हेलो दोस्तों, मैं विकास, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो है सैमसंग का 32 इंच एलईडी टीवी, जिसमें नो पावर का प्रॉब्लम है। ये आप देख सकते हैं, इसकी रेड लाइट ग्लो नहीं कर रही है और ना ही डिस्प्ले पे कोई पिक्चर बन रहा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, यह जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू माई चैनल प्रेम इलेक्ट्रॉनिक्स, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन। तो यहाँ पे आप इसका मॉडल नंबर देख सकते हैं, UA32FH4003। तो इसका हम मेन लॉजिक आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोई भी बर्निंग यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और एक बार हम पावर सप्लाई की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं पावर सप्लाई भी बिल्कुल ओके दिख रहा है ऊपर से। और बाकी अब इसमें चेक करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। और इसका कैपेसिटर भी वीक नहीं है, देखने से लग रहा है। तो एक बार हम इसमें पावर देते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं इसका वोल्टेज। तो हम सबसे पहले पावर देने के बाद मेन कैपेसिटर पे देखते हैं। तो यहाँ पे 256 वोल्ट यहाँ पे बन रहा है, जबकि यहाँ पे 280 या 310 वोल्ट यहाँ पे बनना चाहिए। यानी कि यहाँ आगे कुछ प्रॉब्लम होगा। तो सेकेंडरी में आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, और ड्राइवर सेक्शन में या यहाँ से वोल्टेज जाता है, जो कि यहाँ पे 172 वोल्ट के अप्रॉक्स पहुँच रहा है। तो यानी कि यहाँ पे हमारा प्राइमरी सेक्शन सही हो सकता है, और सेकेंडरी में या जो डायोड से 13 वोल्ट हमको मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। तो पावर आगे न मिलने के कारण यह कैपेसिटर चार्ज है, तो इसको आपको डिस्चार्ज कर लेना है एक बार, तब जाके आगे का वर्क करना है। नहीं तो आपको इसको इससे शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, यानी कि आपको करंट भी लग सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डिस्चार्ज कर लिया है। डिस्चार्ज करने के बाद हम एक बार इसको ग्राउंड से इसको कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमने ग्राउंड कर दिया है, और डायबोर्ड पर देखते हैं तो यहाँ पर फुल शॉर्टिंग यहाँ पर दिख रहा है दोनों डायबोर्ड पर, यहाँ पर देख सकते हैं। और हम सिंगल सिंगल डायोड को चेक करते हैं, तो भी यहाँ पे फुल शॉर्टिंग दिख रहा है। उल्टे प्रॉब और सीधे प्रॉब दोनों साइड से यह फुल शॉर्टिंग दिख रहा है। तो यह दोनों जो डायोड था, यह शॉर्ट हो सकता है, या फिर इसका मदरबोर्ड सेक्शन में भी दिक्कत हो सकता है। तो एक बार मदरबोर्ड का वायर हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। डिस्कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, तब पर भी यह शॉर्टिंग दिख रहा है। तो हम इस पावर सप्लाई को खोल लेंगे, उसके बाद यह दोनों डायबोर्ड जो था, मैं इसको एक साइड से ओपन कर लेता हूं, और बाकी का इसमें कोई भी पार्ट बर नहीं दिख रहा है। तो यह डायबोर्ड अगर शॉर्ट निकला तो ठीक, नहीं तो इसके आगे भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहले हम सबसे पहले इसका जो डायबोर्ड है, इसको ही हम ओपन करके कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो एक साइड से हम इसको ओपन कर लिए हैं। ओपन करने के बाद हम इसको कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने ओपन कर लिया है, और कंटिन्यूटी पे नीचे वाला देखते हैं तो यह 23678 यहाँ पे ओम्स दिख रहा है, और ऊपर वाला जो कि यह फुल शॉर्टिंग दिख रहा है, यानी कि यह जो ऊपर वाला डायोड है वह शॉर्ट है और नीचे वाला शॉर्टिंग नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं उल्टे प्रॉप से कोई रीडिंग नहीं है, और सीधे प्रॉप से 251 ओम्स का रीडिंग शो हो रहा है, यानी कि यह नीचे वाला डायबोर्ड ओके है, ऊपर वाला ख़राब हो चुका है। तो हम नीचे वाला वैसे ही लगा देंगे, और ऊपर वाला क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। और हम आपको एक बार इसका नंबर भी चेक कर दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 7112 इसका नंबर है। तो आपके पास अगर यह सेम नंबर का आप डायबोर्ड हो तो आप वहाँ पर लगा सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी पावर सप्लाई ऐसा अगर मिले तो उसमें से आप निकाल के लगा सकते हैं। तो मेरे पास पावर सप्लाई था जो कि यूनिवर्सल पावर सप्लाई था, चाइना वाला, तो उसका यह डायबोर्ड है जिसका नंबर 5100 है। तो आप भी यह डायबोर्ड लगा सकते हैं। तो आप हमसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक से भी ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप हमसे डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो डायबोर्ड था मैंने उसको लगा दिया है, और पुराना वाला हमने ओपन करके साइड में रख लेते हैं। तो
तो एक बार हम इसमें पावर देते हैं, पावर देने के बाद हम आपको वोल्टेज दिखाते हैं कि इसका आउटपुट कितना वोल्टेज हमको मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने पावर दे दिया है, पावर देने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं 13.15 वोल्ट हमको मिल रहा है। और इसका ड्राइवर सेक्शन में जो कि 107 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है। अभी हमने मदरबोर्ड और इसका बैकलाइट का वायर ओपन किया हुआ था, तो उसको भी लगाकर देखते हैं, तो यहाँ पे 13.0 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है और इसका बैकलाइट भी ग्लो करने लगा है। आपको हम दिखा देते हैं, एक बार हम पावर ऑफ करके फिर से ऑन करते हैं। ऐसे ही ट्रिक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये आप देख सकते हैं हमारा टीवी ओके हो चुका है और रेड लाइट भी ग्लो हो चुका है। तो यहाँ पे हम एक बार आपको पिक्चर भी चला के दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर बिल्कुल अच्छे से बन रहा है। आप हमसे टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।